हेलो एवरीवन, मैं मिसेस प्रणीता, कक्षा 5वीं, विषय हिंदी। बच्चों, हमारे जीवन का हर एक समय एक समान नहीं होता। कभी खुशी आती है, कभी दुख होता है। जीवन में बहुत सारी मुश्किलें भी आती हैं। उन मुश्किलों को पार करके हमें आगे बढ़ना होता है। मुश्किलों का सामना डरकर नहीं, डटकर करना चाहिए। अपनी समझदारी से काम लेते हुए उन मुश्किलों से, उन समस्या से हमें बाहर निकलना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आज की जो हमारी कविता है, चतुर चित्रकार, इस कविता में चित्रकार कैसे वो शेर से अपनी जान बचाता है, कैसे वो भागकर वहां से जाता है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। कविता का नाम है चतुर चित्रकार। चित्रकार सुनसान जगह पर बना रहा था चित्र, इतने में ही वहां आ गया यमराजा का मित्र। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रहा न कोई जोश। चित्रकार जो है, एक सुनसान जगह पर, अर्थात जहां पर कोई भी नहीं है, शांति है, वातावरण जो है बहुत अच्छा है, सुंदर वातावरण है, वहाँ का माहौल जो है बहुत ही सुंदर मनभावन है। नदियाँ, पेड़, पहाड़, पत्ते, ये सभी देखकर चित्रकार जो है अपना चित्र निकालता है। तो वैसे ही वहाँ पर चित्रकार चित्र निकालने के लिए गया। इतने में ही वहाँ आ गया यमराजा का मित्र। इतने में ही वहाँ कौन आ गया? यमराजा का मित्र। और ये यमराजा का मित्र कौन है? शेर है। और उसे देखकर चित्रकार के होश उड़ गए। यमराज अर्थात लॉर्ड यमा। और उनका मित्र कौन है, फ्रेंड उनका कौन है? ये शेर है। और उसे देखने के बाद चित्रकार के होश उड़ गए। अब क्या करें? नदी, पेड़, पहाड़, पत्तों का रहा न कोई जोश। नदी, पेड़, पहाड़, पत्ते, इन्हें देखकर वो चित्र निकाल रहा था। तो शेर को देखने के बाद ये जोश जो है चित्र निकालने का, वो जोश चला जाता है। हमारी भी हालत ऐसी भी होगी जब हमारे सामने शेर आ जाएगा, तो चित्रकार डर गया। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप, बोला सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। इकरू मुकरू बैठ गया वह, सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। चित्रकार वैसे तो डर गया, मगर वो समझदारी से काम ले रहा है। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, हिम्मत से वो अभी काम ले रहा है और शेर को कहता है, बैठ जाइए आप, इधर मैं आपका एक सुंदर सा चित्र बनाता हूँ। चित्रकार का काम ही होता है चित्र बनाना। तो वो क्या कहने लगा कि आप यहाँ पर बैठ जाइए, मैं आपका एक सुंदर सा अच्छा सा चित्र बनाता हूँ। इकरू मुकरू बैठ गया वह, सारे अंग बटोर। शेर जो है चित्र निकालने के लिए पूरे अंग बटोर कर, ऐसे सिमट कर, इकरू मुकर अर्थात अंग सिमट कर बैठ जाता है। जैसे हम भी फोटो निकालने के अच्छे से रेडी होकर, तैयार होकर खड़े हो जाते हैं, वैसे ही शेर जो है अच्छे से बैठ गया वहां पर और चित्रकार को बड़े ध्यान से देखने लगा कि चित्रकार मेरा चित्र कैसे निकालता है, सुंदर निकालता है। ये देखने के लिए वो बड़े ध्यान से चित्र निकालने के लिए बैठ गया और चित्रकार को देखने लगा। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार, अब मुंह तो इधर करिए जंगल के सरदार। चित्रकार कहता है कि अब आगे का चित्र तो निकालना हो गया है, अब आप मुंह उधर कीजिए, मैं आपका पीठ का चित्र निकालता हूँ जंगल के सरदार। जंगल का सरदार कौन रहता है? शेर। तो चित्रकार कहता है कि हे जंगल के सरदार, आपका आगे का चित्र निकालना तो हो गया, अब आप क्या करो, मुंह उधर कीजिए, मैं आपका चित्र पीछे का जो रह गया है वो निकालता हूँ। बैठ गया पीठ फिराकर चित्रकार की ओर, चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। चित्रकार जो है
कहता है कि आपका आगे का चित्र तो हो गया, अब आप क्या कीजिए, मुंह उधर कीजिए, मैं आपका पीछे का चित्र निकालता हूँ। तो शेर पीठ फिराकर पीठ चित्रकार की ओर कर कर बैठ जाता है, और तब चित्रकार क्या करता है, चुपके से खिसक जाता है, अर्थात वहां से निकल जाता है। जैसे चोर चोरी करके कैसे भागता है या बता के जाता है कि मैं चोरी कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, नहीं ना, चुपके से चोरी करता है और चला जाता है। वैसे ही चित्रकार जो है चुपके से वहां से भाग रहा है। क्यों? क्योंकि उसे शेर से बचना था, शेर से बचकर अपनी जान बचाकर उसे जाना था, इसलिए वो वहां से चुपके से खिसक जाता है, जैसे कोई चोर वहां से भाग कर जाता है। तो आज हमने देखा कि चित्रकार जो है जंगल में शेर चित्र वन निकालने के लिए जाता है, उतने में शेर को देखकर वो डर जाता है, मगर उसको हिम्मत आती है, समझदारी से काम लेकर वो चित्रकार शेर का चित्र बनाने का बहाना करके वहां से भाग जाता है। वो भागने में सफल होता है या नहीं, हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।